हेलो फ्रेंड्स जी, आज हम ये जानेंगे कि अगर आपको मल्टी वेंडर, मल्टी स्टोर, मल्टी सिटी, मल्टी एरिया, मल्टी लोकेशन या मल्टी टाइप प्रोडक्ट्स, जैसे आपका फिजिकल प्रोडक्ट, डिजिटल प्रोडक्ट्स, ऐसे B2B प्लस B2C, इस तरह के अगर आपको प्लेटफॉर्म क्रिएट करना हो, सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी चीज़ें आ जाए, तो क्या ये चीज़ें पॉसिबिलिटी है या नहीं है? अगर ये पॉसिबिलिटी है तो किस तरीके से होगा, किस हिसाब से होगा, उसके लिए कौन कौन से लैंग्वेजेस यूज करेंगे? आपने जान लिया कि इस लंबे लॉकडाउन के बाद किसी भी बिजनेस को ऑनलाइन लाना कितना इम्पोर्टेंट है। ई कॉमर्स हो, चाहे किराना को हो या ग्रोसरी स्टोर का हो, या फिर ऑनलाइन शॉपिंग का हो, ऑनलाइन क्लॉथिंग का हो, सिंगल वेंडर हो, मल्टी वेंडर हो, किसी भी टाइप में अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं और उसको अगर आप ऑनलाइन नहीं लाए हैं या ऑनलाइन आपने किया नहीं है, अगर आपकी सोच है कि आप बिजनेस को ऑनलाइन लेके आए, तो इसके लिए कैपिटल टेक्नोलॉजी आपको जबरदस्त ऑफर दे रहा है कि आपको यहाँ पे हर चीज अवेलेबल है। चाहे आप वेबसाइट बनाना चाहें, चाहे आप मोबाइल एप्लीकेशन बनाना चाहें, चाहे आपको ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म बनाना हो या सर्विसेज का प्लेटफॉर्म बनाना हो, सिर्फ यही नहीं, बिजनेस को सेटअप करने के बाद, ऑनलाइन लाने के बाद उसका प्रमोशन करना, इसके लिए कैपिटल टेक्नोलॉजी आपको जबरदस्त ऑफर दे रहा है कि यहाँ पे आपको ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सारी चीजें A to Z अवेलेबल है। ठीक, अब बिजनेस सेटअप करने से लेकर प्रमोशन करने तक फिर देर किस बात की, आज ही बुक कीजिए और पहले आइए, पहले पाइए का हिस्सा बनिए। इसके अलावा इसमें मॉड्यूल्स कितने तरह के होंगे, कितने तरह के मॉड्यूल्स काम करेंगे, ये सारी चीज़ें और कितने क्या क्या फीचर्स होंगे, किस हिसाब से फीचर्स रहेगा, क्या क्या फीचर्स रहेगा, मल्टी लैंग्वेजेस क्या पॉसिबिलिटी है, ये मल्टी सिटी या मल्टी एरिया, क्या ये सारी चीज़ें पॉसिबिलिटी है, अगर इस तरह की चीज़ें पॉसिबिलिटी है तो उसका क्या कॉस्ट पाएगा, या इस तरह की चीज़ें बनाने में कितना टाइम लगेगा, या फिर ये डिलीवरी बॉय एप्लीकेशन इसमें रहेगा नहीं रहेगा, वेंडर ऐप, इस तरह की सारी चीज़ें, वो कौन कौन से पेमेंट गेटवे हैं, इस तरह से शिपिंग ऑप्शन क्या क्या है, आपके शिपिंग ऑप्शन का पिकअप पॉइंट अवेलेबल है नहीं है, शिपिंग ऑप्शन का आपको जो शिपिंग रेट डालना है, वो चीज़ें देखना है, इसका BBC कस्टमर मॉडल, यानी या आपको यहाँ पे BBC कस्टमर्स का मॉडल भी मिलेगा, जिसके अंदर यानी जिसे बिजनेस कस्टमर, यानी आपका जो सेलर है, B2C प्लस B2B दोनों चीज़ें एक साथ पॉसिबिलिटी है, यानी ये मल्टी वेंडर मार्केट प्लेस है। तो कि ये जो मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल किस हिसाब से काम करेगा, कैसे काम करेगा, इसके अंदर वॉलेट वगैरह भी की चीज़ें अवेलेबल हैं, इसका लॉगिन शेयरिंग का बटन अवेलेबल है, फेसबुक से लॉगिन अवेलेबल है, ट्रैकिंग वाले जो सिस्टम्स हैं वो चीज़ें अवेलेबल हैं, नोटिफिकेशन बार अवेलेबल हैं, या आप अगर ऑर्डर का नोटिफिकेशन लेना चाह रहे, न्यू ऑर्डर का नोटिफिकेशन लेना चाह रहे, सेलर के नोटिफिकेशन लेना चाह रहे हैं, या फिर न्यू सेल नोटिफिकेशन लेना चाह रहे हैं, नया कोई अप्रूवल हुआ है सेलर का, उसके लिए नोटिफिकेशन है, नया कोई ऑर्डर आया हुआ है, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। इसका सजेशन सर्च बार, जिसे हम इजक सर्च कहते हैं, वो इजक सर्च के अंदर अवेलेबल है, ब्रांड वाइज सर्च कर सकते हैं, सेलर वाइज सर्च कर सकते हैं, एडवांस प्राइस रेट के रेट जो है, रेंज फिल्टर कर सकते हैं, एडवांस इज शॉर्टिंग ऑप्शन, ये चीज़ें अवेलेबल हैं। इसके अलावा सेलर पैनल अवेलेबल है, सेलर पैनल के अंदर डैशबोर्ड रहता है, वो डैशबोर्ड के अंदर नेविगेशन बार होगा, ऑर्डर होगा, वेरिफिकेशन होगा, इस तरह से कैटेगरीज वगैरह होगा। हाँ, सेलर जो है हम इसमें 3-4 तरीके से मैनेज कर सकते हैं, कमीशन बेस्ड सेलर मैनेज कर सकते हैं, और इजी टू पेमेंट का ऑप्शन हमारे सेलर का ऑप्शन मिलेगा, डायनेमिक सेलर वेरिफिकेशन किया जा सकता है, सेलर का जो प्रोडक्ट्स हैं उसका रिव्यू सिस्टम भी अवेलेबल है, इस तरह से सेलर के अंदर जो रेटिंग वगैरह है वो भी चीज़ें अवेलेबल हैं। इसके बाद अगर आप यूज़र पैनल की बात कर लें, तो यूज़र पैनल में भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाला है, उसका OTP का ऑप्शन, SMS, इंटीग्रेट ईमेल, लाइव चैटिंग, ये सारी चीज़ें यूज़र में मिलने वाला है, वॉलेट यूज़र के लिए भी ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। इसके अलावा गेस्ट यूज़र, जो गेस्ट पैनल यूज़ करता है उसके लिए अवेलेबल है, और टेम्पलेट डिज़ाइन की बात है वो है, होम पेजेस कस्टमाइजेशन है, तो होम पेज कस्टमाइजेशन ये आपको अपने अकॉर्डिंग ये चीज़ें पॉसिबिलिटी है की जा सकती है।
इसके अलावा कॉपीराइट का ऑप्शन है, कंटेंट पेज है, इसके अलावा स्लाइड शो है, एडमिन का एडमिन फंक्शनैलिटी अगर है, फ्रंट एंड सर्चेज वगैरह हैं, यूज़र मैनेजमेंट है जो प्रोसेस वगैरह होता है, यूज़र प्रोफाइल पेजेस वगैरह हैं, यूज़र मैनेजमेंट एडमिन है, तो बहुत सारे चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल हैं। तो हम वन बाई वन करके डिस्कस करेंगे। इसका बिलिंग सिस्टम है, बिलिंग सिस्टम पे ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। इसके जो फीचर्स वगैरह हैं ये सारे फीचर्स आप देख सकते हैं, जान सकते हैं। अगर आप इस बारे में ज़्यादा जानकारी लेना हो तो आप हमसे कॉन्टेक्ट करें, कॉन्टेक्ट करके ये सारी चीज़ें आप एक साथ ले सकते हैं। जी हाँ, तो अब हम डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं। जी, तो इसके अंदर आपका वेबसाइट रहेगा, एडमिन पैनल रहेगा, ये आपका एडमिन पैनल है, जो सुपर एडमिन पैनल है ये आपका वेबसाइट है। वेबसाइट का डिज़ाइन कस्टमाइजेशन में कस्टमाइजेबल है, आप अपने अकॉर्डिंग जिस हिसाब से आप चाहें उस हिसाब से आप अपना डिज़ाइन करवा सकते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको तीन चार डिज़ाइन मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, एक दूसरी डिज़ाइन आपको ये मिलेगा, इस तरह का डिज़ाइन है। तो हमारे पास मल्टीपल डिज़ाइन है, हम कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर देते हैं या उसको जो डिज़ाइन दे देते हैं। ठीक है, ये सारे जो डिज़ाइन है सब कस्टमाइजेबल हैं, कस्टमाइजेशन की जा सकती है, बिल्कुल ईजिली की जा सकती है। इसका आप जैसे लुक लाइक जियो मार्ट जैसे हमने डिज़ाइन दिया हुआ है, ये लुक लाइक जियो मार्ट जैसे डिज़ाइन है, अब देखें कितना खूबसूरत सा डिज़ाइन है। तो इस तरह के डिज़ाइन आप मल्टीपल डिज़ाइन आप देना चाहें या दिलवाना चाहें बिल्कुल दे दिलवा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप क्या और एक डिज़ाइन है, ये फ्लिपकार्ट लुक लाइक जैसे फ्लिपकार्ट है, तो फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन टाइप के डिज़ाइन अगर आप चाहते हैं तो वो चीज़ें भी पॉसिबिलिटी है, वो चीज़ें दी जा सकती है। ठीक है, इसके अलावा एक और डिज़ाइन है जो न्यू डिज़ाइन है, हमने जो अभी न्यू डिज़ाइन दिया है, तो मल्टीपल का हर एक कस्टमर के रिक्वायरमेंट जैसे होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसे चेंज करते रहते हैं, क्योंकि कस्टमर के रिक्वायरमेंट को हम सबसे ज़्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि कस्टमर हर एक कस्टमर के रिक्वायरमेंट अलग होता है, हर एक कस्टमर के सोच अलग होती है, हर एक कस्टमर के प्रोडक्ट्स अलग होते हैं, तो कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम इसे कस्टमाइज करते हैं। जी हाँ, ये सारे सैंपल्स हैं जो आपको देखने में आ रहा है। तो हम जो आप बात करेंगे आज इस स्टोर ऑनलाइन 24 के रिगार्डिंग, स्टोर ऑनलाइन 24 की ये इसी टाइप की एप्लीकेशन, तो मल्टीपल डिज़ाइन है। ठीक है, ये आप हर तरह के प्रोडक्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं, चाहे ग्रोसरी के लिए हो, चाहे आप अपना क्लॉथिंग के लिए हो, चाहे ब्यूटी प्रोडक्ट हो, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हो, फिजिकल हो, डिजिटल हो, आपका रेस्टोरेंट वगैरह के लिए हो, सारी चीज़ों के लिए यूज़ की जा सकती है इसके अंदर। इसके अंदर हर तरह की कैपेसिटी अवेलेबल है। आपको जो ऐप मिलेगा, ऐप आपको इसमें तीन ऐप मिलेगा, एक ऐप मिलेगा आपका सेलर के लिए, एक ऐप मिलेगा आपको यूज़र के लिए, और एक ऐप मिलेगा आपका डिलीवरी बॉय के लिए। तो इसमें तीन ऐप अवेलेबल हैं, तीनों ऐप का इंटरफेस है बिल्कुल डिफरेंट है। ये आपको मिलेगा, ये फ्लैटर बेस्ड एप्लीकेशन है, इसके अंदर आपका एंड्रॉयड प्लस iOS दोनों चीज़ें हैं। आपको ज़्यादा टेस्ट करना हो, चेक करना हो, आप बिल्कुल ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसके बाद सेटिस्फाई होने के बाद ही आप हमसे कॉन्टेक्ट करके ये चीज़ें ऑर्डर कर सकते हैं। जी हाँ, ये मैंने आपको फुल्ली ए टू ज़ेड आपको गाइड कर दिया है। ये आपका जो डेमो का डिलीवरी पैनल है। हाँ, अगर आप ये फुल जानकारी लेना चाह रहे हैं कि आपको ये डिलीवरी पैनल कैसे काम करेगा, वेंडर पैनल कैसे काम करेगा, सेलर पैनल कैसे काम करेगा, इसके लिए भी आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। ये आपका है, आपका सेलर पैनल है, इसमें इसके अंदर ये सेलर ऐप है, ये सेलर ऐप में सारी चीज़ें काम करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, थोड़ा सा मुख्तसर जो चीज़ें थी। एक छोटा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था इस मल्टी वेंडर मल्टी स्टोर के रिगार्डिंग। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, ये का प्रोडक्ट्स के अंदर अवेलेबल बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल हैं, जो प्रोडक्ट्स में जो जो फीचर्स मैंने आपको दिखाया बताया वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। प्रोडक्ट्स आप इन हाउस प्रोडक्ट्स और सेलर प्रोडक्ट्स, डिजिटल प्रोडक्ट, फिजिकल प्रोडक्ट, हर तरह की चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं, सब पॉसिबिलिटी है। फिर मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक ले दीजिए मुझे इजाज़त। खुदा हाफिज़।